हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय फोन। और आज फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो इस समय आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दोनों ही वैक्यूम क्लीनर हैं, लेकिन दोनों में धरती आसमान का फ़र्क है। ये जो वैक्यूम क्लीनर आप देख रहे हैं, ये घर की एसी लाइट से चलता है, यानी कि ये जो घर की नॉर्मल लाइट होती है उससे चलता है। और जबकि ये वैक्यूम क्लीनर, ये कार के डीसी करंट से चलता है। तो ये स्पेशली कार के लिए है। और सबसे बड़ा अंतर जो इनमें है, ये सिर्फ वैक्यूम क्लीनर है, और जबकि ये 2-in-1 यानी कि वैक्यूम क्लीनर होने के साथ साथ ये टायर इन्फ्लेटर भी है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी में हवा कम है तो आप इससे हवा भर सकते हैं। गाड़ी के टायर में हवा भरने के अलावा आप जैसे बच्चों के स्विमिंग पूल होते हैं हवा वाले, उनमें भी इससे बहुत ही ईजिली हवा भर सकते हैं। तो ये एक तरह से मल्टीपर्पज़ कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथ ही इसमें ये जो है टायर का मोनिटर भी है, जिससे आप टायर का जो प्रेशर है उसे बहुत ही आसानी से नाप सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये टायर में हवा भर रहा है, कितने टाइम में भर रहा है, और इसका ये जो ये मीटर दिया हुआ है जो टायर का प्रेशर नापता है, कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर आते हैं, जैसे कि ये स्पेशली कार के लिए, कि इनमें पावर बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि ये जो एसी करंट वाले रहते हैं तो इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में हम यही चेक करने वाले हैं कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर लेना आपके लिए वैल्यूबल होगा। और ये दोनों प्रोडक्ट ही बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट हैं, दोनों अमेजन पर अवेलेबल हैं और दोनों की ही रेटिंग बहुत ही अच्छी है। इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहां से जाकर लेना चाहें तो आप वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन पहले वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ। अब सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये एक अच्छा टायर इन्फ्लेटर है, यानी कि ये अच्छी तरह से गाड़ी के पहिए में हवा भर सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एयर होज की, जो कि इसी के साथ आता है। और इसको ये प्लग को कार चार्जर के पोर्ट में हमें लगाना है और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी को ऑन रखना है। ऑन कम स्टार्ट नहीं, सिर्फ ऑन। तो अब हम ये सबसे पहले चेक करते हैं अपने इस पहिए में, जो कि ड्राइवर साइड वाला पहिया है, इसमें हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपने गाड़ी के मीटर में देख लेते हैं, क्योंकि ये नेक्सोन कार है, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, तो हम उसमें चेक करते हैं कि उसमें इसका क्या प्रेशर आ रहा है। सबसे पहले यही चेक करेंगे हम कि क्या ये सही प्रेशर बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो इस समय अगर आप देख सकते हैं तो ये 32 का प्रेशर बता रहा है, जो कि ड्राइवर साइड वाला पहिया है। अब हम इस वैक्यूम क्लीनर से चेक करते हैं कि ये कितना प्रेशर उसमें बता रहा है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये वैक्यूम क्लीनर के पीछे ही एक इस तरह का ये है, और इसमें हमें एयर होज को सबसे पहले खोलना है इस तरह से। ये पीछे को इस तरह से खुल जाएगा और उसके बाद हमें इसमें इसे अंदर करना है। अब ये अंदर हो चुका है, अंदर होने के बाद इसे फिर से डाउन कर देना है। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से टाइट हो चुका है। और अब जो दूसरा सिरा है वो हमें कार के पहिए में लगाना है। देखो, सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या इसका प्लग लगाए बिना ये सही प्रेशर बता सकता है या नहीं। अगर नहीं बताता है तब हम इसका प्लग लगाएंगे और गाड़ी को ऑन कर देंगे। तो अब हम दूसरा प्लग इसमें लगाते हैं। और इसने प्रेशर बताना शुरू कर दिया, यानी कि हमें ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं थी और इसने प्रेशर बताना शुरू किया है। और मैंने अभी आपको दिखाया था कि गाड़ी में हमारे 32 का प्रेशर है। अब आप इसमें देख लीजिए, ये लगभग लगभग पूरी तरह से करेक्ट प्रेशर बता रहा है। 30 से सुई थोड़ा सा ऊपर है, तो यानी कि ये वैक्यूम क्लीनर कार का प्रेशर बिल्कुल सही बता रहा है। अब बात आती है इसमें टायर में हवा भरने की। तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले ये प्लग को गाड़ी में लगाना होगा। तो हम इस प्लग को गाड़ी में लगाते हैं। अब देखा जाए तो इसका जो वायर है, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, मतलब आप गाड़ी के हर किसी भी पहिए में बहुत ही इजीली हवा भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो प्लग है इसको लगा देता हूं यहां पर। इस प्लग में एक लाइट जल गई है रेड कलर की, यानी कि ये हमारा ऑन हो चुका है। अब मुझे इसको ऑन करना है।
इसमें ये जो स्विच है, अगर आप इसे आगे की तरफ करेंगे तो ये वैक्यूम क्लीनर का काम करेगा, और जबकि हम पीछे करेंगे तो ये टायर इन्फ्लेटर का काम करेगा। तो अभी हम टायर इन्फ्लेटर का इसका काम करते हैं। ये आवाज़ आपने सुनी, एक तेज़ आवाज़ ये कर रहा है। और अब हम देखते हैं ये 32 ये सुई देखते हैं, और अदर यहाँ पर ये सुई देखते हैं जो कि अभी इतनी खास नहीं उठी है। और अंदर गाड़ी के अंदर भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम चेक करते हैं कि क्या वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अभी 32 ही है ये, इसमें अभी हमें टायर प्रेशर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 35 हो चुका है, सीधे 32 से 35, यानी कि ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। और अब हम वैक्यूम क्लीनर में देखते हैं वो क्या इसका प्रेशर बता रहा है। ठीक, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही प्रेशर बता रहा है। सुई अच्छी खासी ऊपर पहुंच चुकी है, तो यानी कि मतलब साफ है कि ये टायर इन्फ्लेटर है। और जबकि हमें, मुझे लगता है कोई खास टाइम भी नहीं हुआ है। इस समय इसका ये जो पीछे की तरफ का होज है ये थोड़ा गर्म हो चुका है, और अगर देखा जाए यहाँ की तरफ, यहाँ से ये ठंडा है, ये गर्म हो चुका है। तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी खोलने में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये एक अच्छा टायर इन्फ्लेटर है। तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा वैक्यूम क्लीनर सबसे ज़्यादा बेस्ट है कार सफाई के लिए। तो अब हम करते क्या हैं, ये मेरा एलिजेंट का जो कारमेट थे मैंने उन्हें ले लिया है, और हम इसके बीच में बिल्कुल एक टेप चिपका देंगे। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट को हम साफ़ करेंगे सैमरो के वैक्यूम क्लीनर से, और दूसरे को साफ़ करेंगे हम इस वैक्यूम क्लीनर से। दोनों तरफ हम थोड़ा सा ये रेत बिखेर देंगे, और थोड़े से पत्तों को क्रश कर हम डाल देंगे, और देखते हैं कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर बेस्ट तरीके से सफाई करता है।
तो दोस्तों आपने देखा, ये एक बहुत ही दमदार वैक्यूम क्लीनर है जो कि हमारे घर की लाइट एसी करंट से चलता है। तो अब अगर आपकी गाड़ी आपके घर के आसपास खड़ी होती है या वहाँ खड़ी होती है जहाँ पर आपके पास ये प्लग है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, इसका एक दूसरा ऑप्शन आता है कि आप इसे घर की जैसे झाड़ू लगाते हैं उसके ऑप्शन में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको बस करना क्या होगा, इसका एक एक्सटेंशन वाला ख़रीदना होगा और आप देखेंगे कि आप उससे झाड़ू भी घर में, मतलब झाड़ू का काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जबकि ये जो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये एक ख़राब वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जितनी सफाई चाहिए ये वह कर रहा है। और इसका एक अलग फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कभी भी हमारे गाड़ी के पहिए में हवा कम है तो हम इससे हवा भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी हवा भरने वाला टॉयज है तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा, साथ ही टायर का प्रेशर चेक करना हो तो उसमें भी। तो मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई सा भी प्रोडक्ट ख़राब है, दोनों ही प्रोडक्ट बढ़िया हैं। और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और दोनों ही प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है और दोनों ही प्रोडक्ट को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ और मुझे किसी भी प्रोडक्ट में कोई ख़राबी नहीं लगती है और ना ही कोई ख़राबी इनमें आई है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन दबा दिया, क्योंकि मेरी हर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।